चाय की बाजार में आग लग चुकी है, क्या सस्ती चाय मिल पाएगी, किस रेट में मिलेगी, किस हद तक सस्ती हो सकती है आज के बाजार में, इस पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ जेपी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं कि सबसे सस्ती चाय इस बाजार में किस रेट में अवेलेबल है, किस रेट तक मिल सकती है। हम कुछ ग्रेड लिए हैं और पर्टिकुलर एक ही ग्रेड है, उसके बहुत सारे टेस्टिंग मैं यहाँ लगा रखा हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा कि सबसे सस्ता वाला जो चाय है उसकी क्या क्वालिटी है और पहले किस रेट में थी, पिछले ऑक्शन में किस रेट में बिकी थी और आने वाले ऑक्शन में इसकी क्या असर हो सकती है, क्या रेट में बिक सकती है। और साथ ही साथ सबसे हाई रेट की जो क्वालिटी की चाय है उसकी पोजीशन क्या है, जो हाई क्वालिटी की चाय है जिसको हाई ग्रोन लोग बोल देते हैं उसकी पोजीशन क्या है, वो क्या कम रेट हुई है या रेट ज़्यादा है। तो आइए हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, आप सभी वीडियो में बने रहेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बेस्ट रेट में, सबसे सस्ता रेट में क्या क्वालिटी मिल सकती है, ये आप चीज़ ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे और सीखेंगे और अपने बिजनेस को ग्रो करने में मदद मिलेगी आपको। तो जितने भी जो सस्ते चाय लेने वाले जो बायर हैं, सस्ता का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेकार, ठीक ठाक अच्छा क्वालिटी, टाटा अग्नि भी लेता है सस्ता, ताज़ा भी 115 में चाय लेती थी, 110 15 100 रुपये की, टाटा अग्नि का भी सेम कहानी था, 105 10 15 मतलब 100 रुपये के आसपास, 10 रुपये कम 10 रुपये ज़्यादा ये सब लेते थे। लेकिन आज कैसे ले रहे हैं, आज क्या उनकी पॉलिसीज़ है और मार्केट में किस ढंग से वो काम करने वाले हैं, MRP क्या बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ये बहुत सारी बातें हैं भाई, मार्केट कैप्चर करने में वो लगे हुए हैं। आप अपना हिम्मत अगर तोड़ेंगे तो बड़े बड़ी कंपनियां है वो क्या आपके कस्टमर को छीन लेगा, अगर आपके कस्टमर को छीन लेगा तो बस वही बात है, जियो वाली बात है, जियो मुकेश अंबानी की बात है भाई, एक बार सस्ता कर दो, सस्ता कर दो और क्या करो, कस्टमर को खड़प लो, कस्टमर को अपने कब्जे में ले लो और फिर बाकी जो है मार्केट से आउट, ये सब कहानियां हैं। तो आप, आपके पास एक ही टूल है, एक ही सुविधा है, वो क्या है, अच्छी क्वालिटी की चाय, मतलब फ्रेश चाय, चाहे रेट जो भी हो, चाहे वो रेट 100 रुपया हो, 150 हो, 200 हो, रेट कोई भी हो, उस रेट में आप फ्रेश और अच्छी चाय जो है डायरेक्ट कस्टमर तक दे सकते हैं, जो 6 महीने साल भर वो लोग चाय को रखते हैं उसकी क्वालिटी गड़बड़ हो जाती है, तो कम से कम ये जो पुरानी और बासी चाय जो है वो जो पिलाते हैं आप फ्रेश पिला सकते हैं, ये सबसे बड़ा आपके पास एक प्लस पॉइंट है। तो आइए हम देखते हैं, मार्केट ट्रेंड को समझते हैं, सस्ता चाय के बारे में बताएंगे कि कुछ चाय मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ जो एक एवरेज या कम रेट की है उसकी क्या प्राइजेस रही है, उस पर बात करेंगे। यहाँ पे कुछ अच्छे बागान के भी चाय हैं, पहले इसको मैं कवर कर लेता हूँ, जो सबसे हाईएस्ट रेट में जो बिक रही है, जो डुआर्स की जो टॉप 10 गार्डन है इसकी क्या पोजीशन है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो देखिए डुआर्स की एक GT Tea Estate की बात करेंगे, GT Tea Estate एक गुडरी कंपनी की चाय है और इसका अगर देखेंगे ग्रेड तो ये BP ग्रेड है, अच्छा स्टाइल है, हल्की सी ब्लैकिश ब्राउन में है, बहुत ज़्यादा काला नहीं है। और GT का जो लास्ट प्राइस की बात करें तो ये पैकेट पे देखेंगे यहाँ पे ये क्या लिख रहा है, यहाँ पे LSP लास्ट सेल प्राइस 300 से लेके 322 के बीच में ये जो BP ग्रेड बिकी है, BP 30 बैग 38 किलो करके ये इस लॉट में है, सेल नंबर 37 में आएगी, ठीक है, ये JT के कैटलॉग में है। तो GT Tea Estate का जो लास्ट प्राइस था 322 तक था, तो भाई ये तो टॉप 10 वाले हैं, लेकिन नीचे के जो गार्डन है जो सस्ती वाली हैं उनकी भी बात करना है। तो टॉप 10 में GT की आप पोजीशन देखें और इसकी लीकर करेक्टर की बात करें तो लीकर भी अच्छी खासी कलरी दिख रही है और हालांकि पहला वाला मज़ा नहीं है,
इन्फ्यूजन भी कॉपरी है, ठीक ठाक है। और वहीं एक संकोच की बात करते हैं गुडरी ग्रुप का ही, तो देखिए संकोच की चाय की बात करें तो इनका भी अपीरेंस मोरलेस वैसे ही दिख रही है जीती के जैसा, विल विदर लीफ है और इसकी स्टाइल मेक अच्छी दिख रही है। चाय क्लीन है, ब्लैकिश ब्राउन में है, किसी भी तरीके का कोई फाइबर वगैरह नज़र नहीं आ रही है। और इसकी जो प्राइस की बात करें तो देखिए ये 310 रुपये तक, 296 से 310 तक ये गई थी संकोच का बीपी। तो ये लास्ट सेल जो था 36 नंबर सेल का ये प्राइस है, 37 नंबर सेल में क्या ये प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, आप लोग कमेंट करके पूछेंगे और मैं इसकी प्राइस बता दूंगा, आपके कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि भाई इसकी प्राइस क्या रही है। बस आप लॉट नंबर का ध्यान रखिएगा या बगान का नाम याद रखिएगा, पूछ लीजिएगा। और इसकी लीकर इन्फ्यूजन की बात करें तो जीती से जो है थोड़ा सा ये डाउन जा रही है इन्फ्यूजन, हल्की सी इन्फ्यूजन डाउन है, रेट भी कम है। लीकर की दोनों को कंपेयर करेंगे, देखिए जीती का लीकर सही आ रहा है और संकोच वाला लीकर थोड़ा डाउन आ रहा है। कलर की बात है, टेस्ट एक अलग बात है। और यहीं एक हल्दी बाड़ी की चाय है, ये फटाफट कवर करेंगे, सस्ता चाय के बारे में बताना है आप लोगों को। तो ये देखिए इसका दाने थोड़े से बोल्ड हैं और ज़्यादा ग्रेनी नज़र आ रहे हैं, इसका ब्लूम लेवल भी सही है और साफ सुथरा दाना है ये, कम से कम जीती और संकोच से अच्छी अपीयरेंस है, देखने में चाय ठीक लग रही है। इसकी जो प्राइस की बात है तो यहाँ देखिए 300 से 316 तक के बीच में बिकी थी LSP, मतलब लास्ट सेल प्राइस। और ये हल्दीबाड़ी रॉयल यहाँ लिखा हुआ है और 21 बैग है मात्र और पार्कन के कैटलॉग में है। तो इसकी चाय का जो अपीयरेंस है आप देख लिए। इन्फ्यूजन की बात करें तो मैं जीती से कंपेयर करूँगा तो जीती के लेवल में इन्फ्यूजन है, ये थोड़ी सी एक डीपर कॉपरी में है और ये थोड़ा सा ब्राइटर कॉपरी में है। और कलर की बात करें तो देखिए ये थोड़ी सी हल्की सी रेडिश टोन में है, थोड़ा सा ब्राइटर टोन है। तो मोरलेस चाय आसपास की है, हल्दी बाड़ी का अपीयरेंस थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, ठीक है। एक न्यू पूछापुर की बात करें, न्यू पूछापुर भी बहुत तगड़ा चाय बना रहा है आजकल, लेकिन ये जो कलर वाली बात है वो नहीं मिलती है इसमें। हाँ टेस्ट वगैरह बढ़िया है, अभी चाय को देखेंगे। देखिए इसके दाने भी अच्छे खासे दिख रहे हैं, काफ़ी क्लीन है, साफ सुथरा है, थोड़ा सा ब्लैकिश ब्राउन में है। और इसकी जो प्राइस की बात है तो देखिए 331 तक गया था, 312 से 331 तक बिका है। और न्यू पूछापुर का जो चाय है वो टेस्ट वाइज सही होता है। और जीती से कंपेयर करते हैं तो जीती से इसका कलर डाउन जा रही है, लेकिन टेस्ट इसका बढ़िया मिलने वाला है। इन्फ्यूजन की बात करें तो इन्फ्यूजन भी कोई खास नहीं है, दम थोड़ा सा डल है। तो न्यू पूछापुर के बाद से अब हम आएंगे फिर गुडरिक ग्रुप की कंपनी, गुडरिक कंपनी की चाय जो है, गुडरिक ग्रुप ऑफ कंपनी बोलते हैं उसको, ये डेंगुआझार। तो देखिए डेंगुआझार की चाय की थोड़ी सी अपीयरेंस डल दिख रही है, विदर सही है इस पत्ती का और किसी भी तरीके का इसमें कोई फाइबर वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ी सी ब्लूम लेवल की कमी है, हल्की सी अनइवन भी दिख रही है, पत्तियां थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा है हल्का सा। और इसकी जो प्राइस की बात करें तो यहाँ देखिए ये रैंडम मैंने कुछ सैंपल लिया था, 320 तक, 300 से लेकर 320 तक डेंगुआझार और जेटी के कैटलॉग में है। इसकी जो है फिर जीती से अभी तक सबसे बढ़िया इन्फ्यूजन किसका मिला, जीती का। तो जीती से कंपेयर करते हैं तो जीती बढ़िया है, ये डाउन है। तो जीती का जो है 322 में जो चाय थी उसके हिसाब से डेंगुआझार नहीं है, और अपने अपने पसंद की बात है, इसमें जीती बेस्ट है, डेंगुआझार अभी भी डाउन जा रही है। तो इसमें बहुत सारी बातें होती है, टेस्टिंग की है, उसकी बिटरनेस लेवल की है, स्ट्रॉन्ग की बात है, उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बोलिए या ब्रिक्सनेस की बात बोलिए, बहुत सारी चीज़ें जानने सीखने की है। आप चाहते हैं तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो वीडियो में लाना मुश्किल होता है, फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि भाई ट्रेनिंग क्लासेस कब से चलेंगी, कब आना चाहिए ट्रेनिंग में, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग क्या है। भाई 14
अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर 14 15 16 अक्टूबर को मैराथन क्लास होने वाली है टी टेस्टिंग और ब्लेंडिंग पे। टेस्टिंग की सारे गुण सिखाने वाला हूँ, कैसे परचेजिंग करें, कहाँ से परचेज करें, कितनी सस्ती चाय ले सकते हैं, कितनी बढ़िया चाय ले सकते हैं, अच्छा क्वालिटी कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या वैल्यूएशन हो सकती है, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए। आप कॉल करिए, सीट अवेलेबल है कि नहीं है पूछिए और ज्वाइन करिए। ये 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर ये एक दुर्गा पूजा या दिवाली का ऑफर समझ सकते हैं। 3 दिन में 6 दिन का क्लास पूरा कराऊंगा और बहुत फास्ट होगा, मैराथन क्लास होगी, ज़बरदस्त क्लास होगी। आगे बढ़ते हैं चेगमारी का। देखिए चेगमारी की जो बात है ये भी 302 रुपये के आसपास बिक रही है, 300 से 302 रुपये कॉन्स्टेंट है। चेगमारी है 30 बैग है और पार्किंग के कैटलॉग में है। और इसकी बात करें तो अपीयरेंस ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं बोलेंगे बहुत ख़राब भी नहीं बोलेंगे, इसकी अपीयरेंस लेवल मुझे ठीक लग रही है। थोड़ी सी ब्लैकिश ब्राउन में है और ब्लूम मॉडरेट है। और इन्फ्यूजन की बात करते हैं तो इन्फ्यूजन जो है अगेन मैं गुडरिक से कंपेयर करूँगा तो गुडरिक के कंपेयर में इन्फ्यूजन इसकी हल्की सी डाउन है। ठीक है, देखिए गुडरिक की ब्राइटनेस लेवल सही है, इसकी ब्राइटनेस लेवल कम है, तो डीप पॉपरी में है, थोड़ी सी डलनेस दिख रही है। इसका लीकर की बात करें तो फिर गुडरिक से ही जीती से कंपेयर करूँगा जो गुडरिक की है। तो यहाँ देखिए जीती की ब्राइटनेस लेवल सही है और इसकी ब्राइटनेस लेवल कम है। तो ये जो चाय है चेगमारी की चाय में मज़ा नहीं आ रही इस साल। चेगमारी अच्छी चाय बनाती है लेकिन मौसम का मार है, क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है। इन्होंने बहुत सारा प्राइवेट में भी सेल किया है। तो ये जो चाय का जो करेक्टर देख के लग रहा है भाई ये 200 के आसपास की होनी चाहिए था एक नॉर्मल मार्केट में, या 215 भी हो सकता है, उसके हिसाब से रेट बहुत हाई जा रही है। आगे आते हैं गैरकाटा। गैरकाटा की जो चाय है ये कलरी कप नहीं होती है, थोड़ी सी इसकी बॉडी की बात करें स्ट्रेंथ की बात करें ये अच्छी खासी मिलती है। और इसका जो रेट देखेंगे तो भाई देखिए 333 तक गया है, अब तक का हाईएस्ट रेट है, और 320 से 333 तक, इसमें कोई भी 33 तक नहीं टच किया था। और इसकी अपीयरेंस देखेंगे तो बीपी ग्रेड ही है और साफ़ सुथरा है, थोड़ी सी ग्रेनी है, ब्लूम समवाट है, बहुत ज़्यादा काला नहीं है, ब्लैकिश ब्राउन में है, तो अच्छा खासा दिख रहा है। और फिर भी एक ब्रांड नेम की बात आती है तो गैरकाटा की बात करें, इन्फ्यूजन देखें, इन्फ्यूजन बोलता हूँ कि भाई चेक करना चाहिए, इन्फ्यूजन एक आईना होता है। तो इन्फ्यूजन देखिए ये गैरकाटा वाला डाउन दिख रही है और जीती अभी भी सही दिख रही है। अभी तक सबसे बढ़िया मुझे जीती का ही मिला, इसीलिए मैं उसे कंपेयर कर रहा हूँ। इसका डलनेस देखिए, लीकर में डलनेस है और लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंथ पार्ट जो है इसकी अच्छी होती है। मैं टेस्ट कर लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा बॉडी है, ऐसा नहीं कि कलर ज़्यादा दिखे तो स्ट्रांग नहीं होता है। कभी कभी चाय कम कलरी होती है लेकिन स्ट्रांग होती है, ज़्यादा कलरी होना फ्लैट भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा कलरी हुआ इसका मतलब थोड़ी ना उसके अंदर बॉडी है, ऐसा नहीं है। जीती की चाय कलरी ज़रूर है लेकिन गैरकाटा में बॉडी है, एक स्ट्रेंथ पार्ट इसमें अच्छी है। थोड़ा सा इन्फ्यूजन ब्राइटर होता, थोड़ा सा कलर और बैलेंस होता तो बढ़िया होता। ठीक है, तो कलरी होना एक अलग बात है और कलरी के साथ देखिए कलरी टर्म्स किस लिए बोलते हैं भाई, कलरी का मतलब हुआ कि उसका बॉडी ब्रिक्सनेस कलर सब कुछ बैलेंस है, अच्छा है, लेकिन एक कलर के साथ में फ्लैट आना, एक कलरी प्लस फ्लैट, तो वो सब चीज़ें मिल जाती है। ज़्यादा कलरी और फ्लैट होना लोगों को लगता है कि बढ़िया होगा लेकिन स्ट्रांग नहीं होता है। अब हम मोरा घाट की बात करेंगे। देखिए मोरा घाट ये 332 तक गया था, 286 से 332 तक, और ये चाय अच्छा बनाता है और ये जो है सीबी के कैटलॉग में है, सेल 37 देख पा रहे होंगे। चाय देखते हैं कैसा है, तो चाय देखिए जितने भी चाय देखे हैं सब वही 19-20 है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऐसे ही है। मोरलेस जितने भी चाय हैं उनकी करेक्टर एक जैसा दिख रही है,
कोई कोई थोड़ा सा प्लस है। इसका लिकर इन्फ्यूज़न की बात करेंगे तो मोरा घाट अब तक के चाय में थोड़ा सा कलर के मामले में, टेस्ट के मामले में, टेस्ट तो मैं बता नहीं सकता, अभी टेस्ट करूँगा, जीती के बराबर मिल रही है। देखिए थोड़ा सा इन्फ्यूज़न इनकी अलग किस्म की है, ये थोड़ा सा ब्राइटर में है, लेकिन कलर की बात करें तो कलरी कप जो है मोरा घाट भी मोरलेस बराबर में आ चुका है। ठीक है, तो मोरा घाट का कलर मुझे ठीक है, ब्राइटर येलो टोन में है। और इसके बाद भी है भाई, एक और चाय है, सबसे ज़बरदस्त चाय आने वाला है। अगेन वही बात है कि थोड़ा सा कलर तो मिला लेकिन बॉडी नहीं मिली। अभी पता नहीं क्या चक्कर है, कैफीन लेवल नहीं मिल रही है चाय में, एक बॉडी नहीं मिल रही है। एक सबसे बढ़िया चाय अब तक का जो चाय मिला है ये मैं बता दूं, रायडक का। इसकी प्राइस देखिए सबसे हाईएस्ट, जितने भी चाय थे सबसे टॉप क्लास की चाय है, 293 से 358 तक बिकी है ये रायडक। सीबी के कैटलॉग में है। और ये चाय का जो इन्फ्यूज़न और लिकर की जो ब्राइटनेस है काफ़ी बढ़िया है। अच्छा मेक भी अच्छा है, चाय बहुत बढ़िया है। इसकी ब्लूम लेबल अच्छी दिख रही है, ग्रेनी चाय है और किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई कमी हमको नज़र नहीं आ रही है। क्लीन ब्लैक फर्स्ट क्लास चाय है भाई, ये चाय को साइड करना चाहिए, ये अच्छी क्वालिटी की चाय लग रही है। और इन्फ्यूज़न भी बात करें तो इन्फ्यूज़न भी अच्छी खासी है, इन्फ्यूज़न भी कोई कमी नहीं है। और गुडरिक की जो जीती है उससे कंपेयर करते हैं तो मोरलेस बराबर इन्फ्यूज़न है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। और लीकर की ब्राइटनेस की बात करें तो ये बहुत बढ़िया ब्राइटनेस है इसकी। देखिए अभी आया उसको कान काटने वाला चाय, जीती का ये बाप निकल चुका है राइडर। ठीक है, तो जीती से बहुत बढ़िया है। और टेस्ट करते हैं। अंधन में काना राजा, इतने सारे अंधे चाय के अंदर में एक काना थोड़ा सा ठीक मिला, मतलब चाय की क्वालिटी तो है नहीं इस साल, उसमें जो है टेस्ट करते करते एक चाय सही मिली जो स्ट्रांग है, बढ़िया है, लेकिन रेट भी बहुत हाई है, 300 358, 360 रुपये के आसपास। देखते हैं इस बार इसकी क्या प्राइस होती है। आप लोग कमेंट करेंगे और पूछेंगे कि रायडेक जो है कितने में बिकी है, उसका इनवाइस नंबर 406 कितने में बिकी है। आप अपना अपना आप लोग भी गेस करेंगे और मैं भी बताऊंगा इसका सेल कल होगी। अब आते हैं सस्ती चाय। वीडियो में अभी तक बने हैं पेशेंस के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब देखिए ये जो सस्ती चाय की बारी आती है तब देखते हैं उसकी क्वालिटी के फ़र्क। भाई देखिए ये एक चाय मैंने लिया है यहाँ पे, एक चाय कोई भी चाय की कंपेयर करते हैं, ये देखिए एक सिरजा टी करके है और देखिए फ़र्क देखिए, और रायडक का है। ये दोनों चाय का देखिए डिफरेंसेस देखिए, ये अच्छी क्वालिटी और डाउन क्वालिटी, भाई इतना हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। ये जो है डाउन क्वालिटी वाली चाय है, ये अच्छी क्वालिटी वाली चाय है। इसकी कलर स्ट्रेंथ की बात करें, ब्राइटनेस की बात करें, बहुत फ़र्क होता है। बताऊंगा इसका रेट भी। और इस चाय के मैं दिखा दूं कि ये सिरजा टी जो 170 रुपये में बिकी है, 170 से 191 रुपये, तो सस्ता चाय का मार्केट 170 से 191 के बीच में ये सिरजा टी का है। सिरजा टी का अपीयरेंस देखिए, और साथ में मैं रायडक टी को रख देता हूँ साथ में इधर में। अब देखिए दोनों का फ़र्क, किसकी ब्राइटनेस कैसी है, किसकी ब्लूम कैसी है। ठीक है, तो इतना का फ़र्क है ये चाय की अपीयरेंस में, तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसका हिसाब किताब है। नॉर्मली चाय सस्ती होने के कई कारण होते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका लीकर कैसा है, टेस्ट कैसा है, कितनी कमियां है। इसका दूसरा कार्ड में ले लेता हूँ भाई, मिक्स हो जाएगा। तो आप अगर बॉटलिप की चाय लेते हैं, जो सस्ती चाय होती है, BLF जिसको बोलते हैं, बॉटलिप टी फैक्ट्री, वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका देख लीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है।
तो ये चाय जो है सस्ती होती है, एक क्वांटिटी में चाय बनाते हैं और क्वालिटी की कोई खास क्वालिटी तो मतलब बनता ही नहीं है, इसके कई कारण हैं। तो ये सारी चाय जो है एक रफ पत्तियों से बनाई जाती है, लंबी पत्तियाँ होती हैं, बड़ी पत्तियाँ होती हैं, मजबूरी होती है उनकी, तो चाय सस्ती मिल जाती है। यहाँ पे कोई भी चाय आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं होता है। आज के मार्केट में क्या है, 196, देखिए ये 196 में ये चाय बिक रही है, ये सेंचल की, मतलब 196 से 206 रुपया। ये भी BLF है, CR के कैटलॉग में है। इसका लीकर इन्फ्यूजन की बात करें तो ये दिख रहा है, साथ में अगर कंपेयर करेंगे, देखिए मैं कंपेयर करता हूँ तो इतना का फ़र्क दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सस्ता का क्वालिटी कैसा है। अपीरेंस भी दिखा दिया आप लोगों को, आप लोगों को चाहिए सैंपल भाई टेस्ट करना है तो आप कमेंट करिए या कॉल करिए, कॉल करके सैंपल मंगाइए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट करिए, समझिए। चाय खरीदिए मत खरीदिए अलग बात है, लेकिन उसको टेस्ट ज़रूर करिए, जिससे आप एजुकेट हो पाएंगे, सीख पाएंगे। देखिए दूसरी चाय, ये अमलबाड़ी का 188 से लेकर के 203 के बीच में बिका है, और इसकी अपीरेंस देखिए ग्रीनी है, चाय साफ़ सुथरा है, लेकिन इसकी कलर की बात करें तो ये जो है ये देखिए ऐसा है, इन्फ्यूज़न आप कंपेयर कर सकते हैं कैसा है, काफ़ी ग्रेनी है, केस हार्डनिंग है, ब्राइटनेस नहीं है। तो जो सस्ती चाय होती है उसको उसकी अपीरेंस के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अपीरेंस तो बहुत सुंदर बनाते हैं कभी कभी, उसकी इन्फ्यूज़न के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, और लीकर में तो कॉम्प्रोमाइज़ करते ही हैं। चाय को टेस्ट करिए, स्मोकी है, किसी तरीके कोई कंटेमिनेशन है तो उसको साइड करिए, उसको मत लीजिए। बस एक सस्ता चाय का मार्केट में बता रहा हूँ, अभी के मार्केट में क्या है, कुछ कुछ सैंपल मैंने लिया है। भात्री डायमंड, भात्री डायमंड कितने में बिकी है और इसकी अपीरेंस भी कोई खास नज़र नहीं आ रहा है, बट साफ़ सुथरा है, दिक्कत वाली बात नहीं है कोई खास। 221 तक बिकी है, 200 से 221 तक। तो ये 200 जो चाय 115-20 की थी वो 200 में बिक रही है, सोचिए। ये भात्री डायमंड पहले हम देखा है, इसकी बहुत कम रेट थी, ये पेटकी एक्सक्लूसिव 237 तक बिकी है, थोड़ी सी बॉटलिप में अच्छी है, 2237, 220 से 237 तक। इसकी चाय देखते हैं तो इसका भी डल है, कोई खास दिखे, साफ़ सुथरा है, थोड़ा सा स्मॉलर साइज़ दिख रही है, बीपी में थोड़ी सी स्मॉलर साइज़ है, बट साफ़ सुथरा है मोरलेस, और डलनेस तो ही है। अपीरेंस देखिए आप, इन्फ्यूज़न देखिए, इन्फ्यूज़न के फ़र्क को समझिए कितना फ़र्क है। इन्फ्यूज़न बढ़िया तो चाय बढ़िया भाई। लीकर की ब्राइटनेस की बात करें तो लीकर आप यहाँ से समझ सकते हैं इसके साथ रखने से, कि दोनों का लीकर में कितना का फ़र्क है। एक कंपेयर करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि इसके सामने कितनी डिग्री कम है, आप समझ सकते हैं। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। सिरजा टी का मैंने दिखा दिया, 170 से 191 के बीच में बिकी है, और एक वाल्मीकि की चाय है, ये भी 201 से लेकर 226 तक। ये चाय ऑक्शन की प्राइस है, इस पे GST होगा, ऑक्शन के फ़ी होंगे, ब्रोकरेज चार्जेस हैं, बहुत तरह के खर्चे हैं इस पे। और दूसरी बात, आप लोग सोचते हैं कि दो बैग चार बैग, भाई 21 बैग का लॉट है, ये पूरे 21 बैग लेने पड़ेंगे। देखिए 21 बैग 26 किलो करके BP ग्रेड वाल्मीकि। तो किसी भी चाय को आप ऑक्शन के थ्रू लेते हैं तो पार्ट लॉट कभी मिल सकता है, 30 बैग है, 15 बैग कभी कभार हो जाता है, लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि पूरी लॉट साइज ही मिलेगी। दो बैग चार बैग अगर लेते हैं ऑक्शन से तो किसी के माध्यम से लेना पड़ेगा, या परचेज़ किया हुआ चाय ले सकते हैं, थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के ही आपको देगा। तो इसमें किसी भी तरीके का हेल्प हो, समझना है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और क्वालिटी हर बार चेंज होगी, ऐसा नहीं कि इस बार अच्छी है उस बार अच्छी है या ख़राब है, हर बार चेंज होता है, हर बार टेस्ट करना है, लेना है। और आसमी गोल्ड की बारी आती है, आसमी गोल्ड बॉटलिप की अच्छी चाय है, 255 तक गई है, 226 से 16 से 255 तक आसमी गोल्ड, और इसका 25 बैग 38 किलो करके इसका लॉट है, गुड पॉइंट के कैटलॉग में है। और ये देखिए इस चाय में हल्की फुल्की थोड़ी सी फाइबर दिख रही है, हल्का फुल्का, थोड़ा सा ओपन टाइप का दाने हैं,
उतना ज़्यादा क्लीन नज़र नहीं आ रहा है। ब्लूम कोई ख़ास नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन अपीरेंस जो है एक एवरेज है। क्वालिटी की अगर बात करें तो चूंकि आप यहाँ पे दिखाता हूँ मैं अगेन, ये आसमी गोल्ड अच्छा खासा चलने वाला है। देखिए इसके अंदर डलनेस आ गई है, इसके अंदर में थोड़ी सी रेडी स्टोन की लीकर है और क्या हो गया, ये डलनेस आ गई है और 255 रुपये तक बिक रही है। अब इसमें क्या है, ब्रांड वैल्यू के लिए ये रेट ज़्यादा हो रहा है। चाय 255 का नहीं है, ये 220 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि इसका बस एक ब्रांड वैल्यू हो गया है कि बढ़िया चाय बन रही है, बिक रहा है। ये चाय एक्चुअली 215, 20 या 200 के नीचे होने से ज़्यादा बढ़िया है मैक्सिमम। तो इस चाय के लीकर के हिसाब से बात करें तो मुझे समझ में नहीं आया। उससे बढ़िया अगर हम सिरजा टी की बात करते हैं तो देखिए सिरजा टी जो 170-90 में बिकी थी उसकी अगर दोनों कंपेयर करूँगा तो भाई इसमें तो ज़्यादा ब्राइटनेस लग रही है। तो चाय को देख के समझ के लीजिए, किसी ब्रांड के पीछे भागेंगे तो भाई ब्रांड वैल्यू का भी दाम आपको देना पड़ेगा। एक पुष्पा सुप्रीम है, ये देखिए ये भी 195 से 221 के बीच में बिकी है ये पुष्पा सुप्रीम। इसकी चाय 100 रुपये में बिकती थी एक समय, और इसकी चाय की क्वालिटी की बात करें, अपीरेंस की बात कर रहा हूँ तो ग्रेनी है, साफ़ सुथरा है, किसी तरीके का इसमें फाइबर नज़र नहीं आ रही है। ये मोरलेस क्लीन चाय है, ब्लैकिश ब्राउन अपीरेंस की है। और इन्फ्यूज़न की बात करें तो इन्फ्यूज़न बहुत अच्छा नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपेयर करके कि दोनों इन्फ्यूज़न में क्या फ़र्क है। तो भाई ये चाय अच्छी है तो मुझे बताना पड़ता है। और लीकर की बात करें तो लीकर में एक ब्राइटनेस लेवल कम है, हल्की सी रेडी स्टोन की चाय है, और ये दोनों चाय को यहाँ पे आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है। तो भाई सस्ता चाय में आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो समरी ये रहा आज के इस सेशन का कि भाई सस्ता चाय 170 रुपये के नीचे नहीं है। इक्का दुक्का अगर कोई चाय लेते हैं जो सेकेंडरी है, जिसमें फाइबर भरे हुए हैं, जो काफ़ी कचरा है, वो अलग बात है, लेकिन 170 रुपये के नीचे प्राइमरी लेवल की चाय वो भी बीपी ग्रेड में अवेलेबल नहीं है मार्केट में। चाहे ये सारे बॉटलिफ ही होते हैं, और अच्छी क्वालिटी की चाय लेना चाहते हैं तो वो 300 से ऊपर ही है, 350 तक जाइए अलग बात है, लेकिन 300 के नीचे अच्छी क्वालिटी की चाय आप इस मार्केट में नहीं सोच सकते। और ये ऑक्शन की एक प्राइस है, ऑक्शन का एक बल्क रेट है, जो लॉट वाइज चाय लेनी पड़ेगी, दो बैग चार बैग लेते हैं तो वहाँ पे उसकी प्राइस और भी ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, किसी भी तरीके का आपको इसमें कोई कमेंट है, कुछ पूछना है तो आप ज़रूर कॉल करिए, ऐसे अनेकों वीडियो आते रहेंगे। एजुकेशन के लिए मैं पूरी डेडिकेटेड हूँ, आप लोगों को सिखाना समझाना मेरा एक पैशन, एक जुनून है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।